नई बात है, मैं किस मतलब एक ही चीज पे इंसान कितनी बार बोले आप बताइए ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि कानून अपना काम करे। नई सरकार को पूरा मौका दिया, कोई हम लोग को ये भी नहीं कह सकता कि भैया सरकार बनी है तुरंत आप बोरिया बिस्तरा लेके आप सरकार के ऊपर आप फिर से चढ़ गए। विस्तार नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये तो मुख्यमंत्री बता सकते हैं, उन्हीं के अधिकार क्षेत्र है। फिलहाल मुझे लगता है प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होना ज्यादा जरूरी है, केंद्र सरकार तो बढ़िया काम कर ही रही है। नमस्कार, नेशन न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। बिहार की सियासत से नदारद दिख रहे एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान ने जमुई जाने के क्रम में एक बड़ा बयान दिया है जो कि बिहार सरकार और नीतीश कुमार के खिलाफ है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा है एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान ने। नई बात है, मैं किस मतलब एक ही चीज पे इंसान कितनी बार बोले आप बताइए ना। लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं जिस तरीके से बिहार में कानून व्यवस्था है, चुनाव के दौरान भी तो मैंने इन्हीं बातों को ही मैंने रखा था और आज भी वही परिस्थिति है, तो परिस्थिति कुछ बदली तो नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कानून अपना काम करे। हम लोगों ने तो नई सरकार को पूरा मौका दिया, कोई हम लोग को ये भी नहीं कह सकता कि भैया सरकार बनी है तुरंत आप बोरिया बिस्तरा लेके आप सरकार के ऊपर आप फिर से चढ़ गए। मैं तो समय दे रहा हूँ, सरकार अपना काम करे। नई सरकार बनी है, पुनः हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो अपना काम करे। लोक जनशक्ति पार्टी ने हमेशा इस परंपरा को अपनाया। मेरे पिताजी रामविलास पासवान जी भी हमेशा जब जब नई नई सरकारों का गठन हुआ, 2015 में भी जब महागठबंधन की नई सरकार बनी तो आप सबके सामने उन्होंने स्पष्टता से इस बात को रखा कि हम लोग 6 महीने का हम लोग समय देंगे नई सरकार को। पुनः इस बार सरकार बनी है, हम लोग समय दे रहे हैं। मैं ऐसा तो नहीं हूँ कि मैं रोज़ उनके खिलाफ कोई बयानबाजी कर रहा हूँ या हम लोग रोज़ उनके ऊपर कोई बोरिया बिस्तरा लेके चढ़े हुए हैं, पर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं, बड़े बड़े लोगों की, ऐसे लोगों की जो कि समाज में जाने माने लोग हैं, जो कि एक अपना अलग रसूख रखते हैं, ऐसे लोगों की भी जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, ये चिंता का विषय है। मौजूदा मुख्यमंत्री जो कि हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कम से कम अब इसके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई करेंगे ताकि भविष्य में, क्योंकि वही प्रदेश के मुखिया हैं, जिम्मेदारी उन्हीं की ही बनती है, पुनः उनको प्रदेश की बागडोर उनके हाथ में दी गई है, तो कुछ ऐसे कदम उठाएं ताकि कानून व्यवस्था बिहार में सुधरे। तो इस प्रकार से बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर सीएम नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर बहुत कुछ खड़ा कोटी सुना दिया चिराग पासवान ने। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम सरकार को 6 महीने का अल्टीमेटम दे रहे हैं और देखते हैं वो सरकार में क्या कुछ बदलाव लाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्होंने कुछ खास नहीं कहा, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि यह मुख्यमंत्री का हक है, वह वही करें जो उनको ठीक लगता है, पर बिहार में जो अपराध है उस पर लगाम लगाना अनिवार्य है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। धन्यवाद।